हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीटी मैक्स पर। दोस्तों, पीलीभीत से ट्रैकपुर वाली ट्रैक पर हम खड़े हुए हैं। ये माल गोदाम की ट्रैक है जहां पर दोस्तों हम खड़े हैं। सामने दोस्तों जो ट्रैक है वो टनकपुर वाली मेन लाइन है और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सीआरएस कब होने की संभावना है दोस्तों, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और सामने आपको दोस्तों ट्रांसफार्मर दिखाई देते होंगे, जो पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है उस पावर सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर आ भी गए हैं और लगाने का काम भी चल रहा है दोस्तों, वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे। और सीआरएस कब होगा टनकपुर की लाइन पर और जो इंजन का ट्रायल हुआ सब बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा आगे चलकर एसएसपी की अपडेट देते हैं, मतलब पावर सब स्टेशन की, और सीआरएस की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां से देखिए, ये माल गोदाम का प्लेटफार्म यहाँ तक बनाया जाएगा और यहाँ पर दोस्तों वॉल यानी दीवार बनाने का काम किया जा रहा है। और साथ में दोस्तों ये पीलीभीत टनकपुर की लाइन है, इस पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और जो पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है वहाँ पर दोस्तों ट्रांसफार्मर रखने का काम किया जा रहा है, वो भी हम इसी वीडियो में चलिए आपको दिखा रहे हैं आगे चलकर। और जो सीआरएस की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, कब होने की संभावना है सीआरएस की। दोस्तों यहाँ से देखिएगा, सामने पावर सब स्टेशन ये बनाया जा रहा है, सारे फाउंडेशन दोस्तों लगभग बन चुके हैं और हम आपको जूम कर कर दिखा रहे हैं। ये देखिए दीवार है, इसके पीछे एक ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है और दो ट्रांसफार्मर पहले पीछे जो गाड़ी पे थे खड़े हुए वो भी दोस्तों हमने दिखाए। ट्रांसफार्मर आ गए हैं, लगाने का काम चल रहा है। इंजीनियर और सारे लेबर दोस्तों यहाँ पर मौजूद है, सारा काम किया जा रहा है पावर सब स्टेशन का। और इधर से देखिए दोस्तों, ये माल गोदाम है, माल गोदाम का भी फर्श लगभग बना लिया गया है और पीलीभीत से टनकपुर की लाइन पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। और सीआरएस दोस्तों 12 मार्च को होने की संभावना है दोस्तों। इस सीआरएस से पहले एक बार डीआरएम साहब का सर्वे होगा और सर्वे के बाद दोस्तों सारी रिपोर्ट निकल कर आएगी। और दोस्तों दो ट्रायल भी हो चुके हैं पीलीभीत से टनकपुर की लाइन पर इंजन के, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन ट्रायल दोस्तों ऐसे करके हुए हैं कि किसी को कोई कानोकान खबर नहीं हुई और दोनों ट्रायल कर लिए गए हैं। फिलहाल अब जो भी ट्रायल होगा वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमें वीडियो बनाकर भेजना चाहें तो वीडियो भेज सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में परमानेंटली मौजूद रहता है दोस्तों। हमारा नंबर है 9837290507, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। रेलवे के किसी वर्क से रिलेटेड आप हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इधर से देखिएगा, ये पावर सब स्टेशन का काम अगले चरण पर पहुंच चुका है। बात कर रहे हैं दोस्तों सीआरएस की, सीआरएस से पहले दोस्तों डीआरएम साहब का सर्वे होना है। पीलीभीत से टनकपुर की रेल लाइन को दोस्तों पूरा परखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन की वर्क का पूरा जायज़ा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हो सकता है एक ट्रायल पूरा पीलीभीत से और टनकपुर तक किया जाए, लोको स्पीड ट्रायल। उसके बाद दोस्तों डीआरएम साहब अपना पूरा स्टेटमेंट बनाकर रेल संरक्षण आयोग को देंगे। उसके बाद सीआरएस मोहम्मद लतीफ़ खान जी द्वारा यहां पर सीआरएस होगा। और सीआरएस की संभावना दोस्तों 12 मार्च की निकल कर आ रही है। आगे जो भी होगा दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों 12 मार्च की डेट संभावित है, हो भी सकता है दोस्तों और नहीं भी हो सकता है। मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।